في حضرة المحبوب أحمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ऐ ईमान वालों, जब जुमा के दिन अजान दी जाए, तुमको पुकारा जाए, तुम नमाज की तरफ जल्दी चलो और ख़रीद व फरोख्त को तर्क कर दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। मुअज़्ज़ज़ सामीईन हज़रात, जुमा की बहुत बड़ी फजीलत है। जुमा के दिन हज़रत सलमान फ़ारसी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से नकल फरमाते हैं कि जो शख्स जुमा के दिन बेहतरीन तरीके से गुस्ल करे, अच्छा गुस्ल करे और पाक साफ कपड़े पहने और हो सके तो सफ़ेद लिबास पहने, खुशबू लगाए और घर से जुमा पढ़ने के लिए निकल आए और रास्ते में दो शख्सों के दरमियान जुदाईगी ना डाले और मस्जिद में खामोशी के साथ बैठ जाए, ज़िक्र अज़कार में मशगूल हो जाए। जब इमाम खुतबा सुने तो गौर से सुने, जब खुतबा होए तो उस वक़्त गौर से सुने। फरमाते हैं अल्लाह के प्यारे रसूल, उस जुमा से लेकर आने वाले जुमे तक उसके सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो जुमा की फजीलत यह भी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसी दिन पैदा किए गए और इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन जन्नत से ज़मीन पर उतारे गए, इसी दिन क़यामत कायम होगी। जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी आती है कि उस घड़ी में बंदा अल्लाह ताला से जो कुछ मांगता है अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़रूर अता फरमाता है। आज के इस जुमा के दिन में हम ये दुआ करते हैं, अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को हिदायत अता फरमाए, सारे मुसलमानों के गुनाह माफ़ फरमाए, सारे मुसलमानों को ईमान की दौलत से माला माल अता फरमाए और सब के सग़ैर कबायर गुनाह माफ़ फरमाए। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।